जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है? व्हाट इज इम्पल्स? हैं बोलो. हाँ, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है. जो एक सिग्नल जो है, ठीक है, वो एक से दूसरी जगह जो ट्रेवल करता है, ठीक. तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो देखेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम जो देखेंगे, किस में होगा? ये न्यूरॉन में, ठीक. तो न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहा है, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे होगा? तो जैसे न्यूरॉन से न्यूरॉन, ठीक है, तो न्यूरॉन में क्या हो रहा है? इम्पल्स पास हो रहा है. ये इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, ठीक, एक से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा. तो ये न्यूरॉन में जो इम्पल्स है वो किस टाइप का है? इलेक्ट्रिकल, जैसे अपन देखें. और इस न्यूरॉन में भी जो इम्पल्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल है, ठीक है. लेकिन दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं होता है, है ना, स्पेशली हमारे में, ह्यूमंस में, ठीक. तो यहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहा है, इसके बीच में आपको मिलेगा केमिकल सिग्नल, ठीक है, केमिकल सिग्नल. जैसे ये न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो अगर हम देखें तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में स्पेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स, ठीक है. तो यहां तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो गया, लेकिन यहां से यहां, यहां से यहां जो सिग्नल होता है वो किस टाइप का होता है? केमिकल टाइप का होता है. समझ आ रहा है? यहां से यहां क्या है? केमिकल सिग्नल है, ठीक है. फिर उसके बाद यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो अगर हम देखें तो जो इम्पल्स है या जो इम्पल्स कंडक्शन होता है ना, वो किस टाइप का होता है बेटा? इलेक्ट्रिको इलेक्ट्रिको केमिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल दोनों टाइप का सिग्नल होता है. तो जो इम्पल्स है या जो सिग्नल है वो हम लोग क्या देखें? दो टाइप का, एक इलेक्ट्रिकल होगा, प्योरली इलेक्ट्रिकल, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल. तो ये जो दिख रहा है आपको वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल है. सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर होगा तो क्या होगा? न्यूरॉन एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होंगे, है ना, न्यूरॉन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. यहां पर कनेक्टेड है बट बीच में गैप है, कनेक्टेड है लेकिन फ्यूज नहीं है, ठीक है, आसपास हैं लेकिन न्यूरॉन दोनों के दोनों फ्यूज नहीं है, मतलब एकदम चिपके हुए नहीं है, कॉन्टेक्ट में नहीं है, इनके बीच में क्या है? कुछ गैप है, स्पेस है, जिसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं. समझ आ रहा बात? ठीक है. तो ये जो साइनेप्सिस है, जो गैप है, यहां पर से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा? तो केमिकल सिग्नल के थ्रू जाएगा. समझ आ रहा बात? और पूरे न्यूरॉन में यहां से लेके यहां तक कैसे जाएगा? तो इलेक्ट्रिकल जाएगा, है ना. तो प्योरली इलेक्ट्रिकल कब होगा? जब दोनों न्यूरॉन बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में होंगे, जुड़े होंगे, फ्यूज होंगे, ठीक है. तो वहां पर ऐसा भले दो न्यूरॉन होगा लेकिन ऐसा फील होगा कि भैया वो एक ही है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा एक से दूसरे में कब चला गया, ठीक है. यहां पता चल रहा है कि हाँ यहां आया, यहां तक आया, फिर केमिकल में चेंज हुआ, देन वो केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ. समझ आ रहा बात? दो टाइप का हम लोगों ने सिग्नल देख लिया, एक प्योरली इलेक्ट्रिकल और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल. क्लियर है बात इतना? ठीक है, चलो. तो ये जो इम्पल्स है ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, किस टाइप का इम्पल्स है, किस टाइप का सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ये हम लोगों ने देख लिया. लेकिन ये इम्पल्स जनरेट कैसे होता है एंड ट्रांसमिट कैसे होता है, मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा कि इम्पल्स यहां से निकला,
यहाँ तक गया, देन केमिकल सिग्नल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से सिग्नल आगे बढ़ा, तो यहाँ जो जनरेट हो रहा है वो कैसे होगा, ठीक है, और जो ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसे होगा। मतलब यहाँ जो सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रहता है केमिकल में कन्वर्ट हुआ, देन केमिकल सिग्नल इस न्यूरॉन को सिग्नल दिया, तो ये कैसे होगा, और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से जनरेट हो रहा है वो आगे बढ़ेगा, वो कैसे बढ़ेगा। क्लियर है बात, उसी को हम लोग क्या देखेंगे बेटा, जनरेशन एंड कंडक्शन। तो सबसे पहले अपन जनरेशन देख लेते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल कैसे जनरेट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसी में ही अपन देख लेते हैं। ये कौन सा हिस्सा है बेटा, ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन टर्मिनल है ना, या सिनेप्टिक नॉब भी बोलेंगे अपन। यहाँ पर क्या रहता है बोलो, पहले देख चुके हैं हम लोग, ए सी एच वेसिकल्स, ठीक है। तो ये जो ए सी एच वेसिकल है इसमें क्या भरा हुआ रहता है, ये ए सी एच वेसिकल है, इसमें क्या रहेगा, एसिटिल कोलिन, दैट इज ए सी एच, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर सिग्नल आता है या इम्पल्स आता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन सा आयन अंदर जाएगा, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो रहता है इस ए सी एच वेसिकल के साथ में बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद क्या होगा, ये बाइंड होने के बाद ये ए सी एच वेसिकल रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, ये सारा ए सी एच बाहर आ जाएगा, है ना, ये ए सी एच बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आ गया बेटा, ये बाहर आ गया पूरा, है ना, ये डॉट डॉट जो मैं बना रहा हूँ ये सब क्या है, ए सी एच वेसिकल्स। तो ये ए सी एच वेसिकल्स रप्चर हुआ और बाहर क्या आ गया, ए सी एच, है ना, एसिटिल कोलिन बाहर आ गया। अब ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन क्या होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर बोलो, ये क्या चीज़ है, ये वाइट वाइट क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स फॉर ए सी एच, तो दे आर ए सी एच रिसेप्टर्स, ए सी एच रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर का क्या काम है, सिग्नल रिसीव करता है, समझ आया, सिग्नल रिसीव करता है। तो ये ए सी एच कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा रिसेप्टर में, ठीक है, रिसेप्टर में गया। अब ये जो ए सी एच है इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो गया, तो जैसे ही ए सी एच रिसेप्टर में ए सी एच जा करके बाइंड होता है, क्या होगा बेटा, एक सिग्नल जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, समझ आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के जो मोबाइल पे, आप लोगों के मोबाइल पे जब कॉल आता है तो वो कैसे आता है, कैसे आता है भाई, आपके मोबाइल में एक रिसीवर लगा हुआ है, कोई कॉल करेगा तो वो वेव्स के थ्रू आएंगे, एयर में जो वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उस वेव्स के थ्रू सिग्नल आया मोबाइल पे, देन मोबाइल में जो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, तब आपको वो चीज़ें दिखती हैं। बैटरी लगा रहता है ना, वो करंट देने का काम करता है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट हो रहा है, ये बैटरी से, सॉरी, जो करंट है वो बैटरी से जनरेट हो रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन सिग्नल कहाँ से आया भैया, एयर से आ रहा है आपके मोबाइल में, तो वैसे ही केमिकल आया, देन ये रिसेप्टर में जैसे ही केमिकल बाइंड होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट होगा, समझ आ रहा बात। अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ से सिग्नल जो जनरेट हो रहा है वो कैसे जनरेट होगा, है ना, और कैसे आगे बढ़ेगा, कंडक्शन कैसे होगा, ठीक है, हटा दूं इसको, चलो। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ
इम्पल्स। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले तो न्यूरॉन देखेंगे, सबसे पहले न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। ये क्या है? डेंड्राइट्स। ठीक, चलो। तो कोई भी करंट जब पास होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है, चार्जेस का डिफरेंस होना जरूरी है। इतना मालूम है अपने को, अपन फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, चार्जेस का डिफरेंस होना जरूरी है। जब भी चार्जेस में डिफरेंस आता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तो करंट का फ्लो होता है। अपन देखें सर्किट वगैरह अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह आता है ना। तो मतलब क्या है, चार्जेस में डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट का फ्लो होगा। तो सेम चीज यहां भी अप्लाई होता है, सेम चीज न्यूरॉन में भी अप्लाई होगा। तो इंपल्स क्या है, मैंने बताया आपको, इंपल्स क्या है? इंपल्स एक सिग्नल है। किस टाइप का सिग्नल है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है का मतलब है कि करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट कब होंगे? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ आ रहा बात? पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, करंट का फ्लो होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी वैसे ही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है? चार्जेस में डिफरेंस लाना पड़ेगा। मतलब दो टाइप के चार्जेस होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। समझ आ रहा बात? तो न्यूरोन का जो बाहर वाला हिस्सा है, यहां पर आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रहा है? न्यूरॉन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वहां पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। समझ आ रहा बात? नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके कारण है और नेगेटिव चार्ज किसके कारण है? बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण है? तो बेटा मेनली, नॉट ओनली सोडियम, मेनली सोडियम आयन एंड सम पोटेशियम आयन। तो देखो जनरली क्या होता है बेटा, सोडियम ही होता है, थोड़ा सा आपको पोटेशियम भी मिलेगा। नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके कारण होता है? ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। एकदम ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बाहर में आपको क्या मिलेगा? सोडियम आयन, थोड़ा सा पोटेशियम आयन। न्यूरॉन के अंदर क्या मिलेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, लेकिन यहां पर साथ में आपको क्या मिलेगा? पोटेशियम आयन, ठीक है, इनसाइड न्यूरॉन, और अपन बोल सकते हैं इन एक्सो प्लाज्म, ठीक है। तो न्यूरॉन के अंदर आपको क्या मिलेगा? इनसाइड में क्या मिलेगा बोलो? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन एंड पोटेशियम आयन। न्यूरॉन के बाहर आउटसाइड क्या मिलेगा? सोडियम आयन, ठीक है। मैं मेनली बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर भी सोडियम आयन अंदर भी पाया जाता है थोड़ी क्वांटिटी में। तो इन जनरल अगर हम देखेंगे तो हमको क्या बोलना है, इनसाइड क्या होता है? सबसे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड पोटेशियम आयन। बाहर क्या रहेगा सबसे ज्यादा? मेनली क्या रहेगा? मेनली सोडियम आयन। तो अपने को यही ध्यान रखना है, बट ये भी ध्यान रखना है कि अंदर में आपको पोटेशियम मिल रहा है कि सोडियम, इन जनरल पोटेशियम, बट सोडियम भी कुछ क्वांटिटी में होता है। बाहर आपको मेनली क्या मिल रहा है? सोडियम आयन, बट कुछ क्वांटिटी में पोटेशियम भी मिलता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, है ना, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। क्लियर है बात? चलो, तो न्यूरॉन के अंदर और बाहर क्या है अपने को समझ आ गया। तो अब एक मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन है ये? एक्सो
लेमा, एक्सोलेमा, व्हाट इज एक्सोलेमा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन को क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा, ठीक है। तो एक्सोलेमा या सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के सराउंडिंग में दो टाइप का चार्ज है, आउटर में पॉजिटिव चार्ज है, इनर में नेगेटिव चार्ज है, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है, और करंट का फ्लो होगा। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और करंट का फ्लो होगा। क्लियर है बात इतना? चलो, तो हमको तो वही चाहिए, करंट चाहिए, तभी तो इंपल्स ट्रांसमिट होगा। तो देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, सारी चीजें आती है, मैं जो बताते जा रहा हूँ एक साथ, बाद में उसको हम लोग कंपाइल करेंगे, मैं इसको साइड कर रहा हूँ अभी, ठीक। चलिए, तो ये वाला हिस्सा समझ आ गया अपने को, अंदर क्या है बाहर क्या है। चलिए, तो देखो बेटा, ये जो मैंने बताया है, ये कौन सा स्टेट है, इट इज रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, जब न्यूरॉन कोई भी सिग्नल या करंट को पास नहीं कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में आपको रेस्टिंग पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि जब कोई भी एक सर्किट में एक पोटेंशियल आपको स्टेबल मिलेगा, मतलब एक सर्किट में आपको एक पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, एक रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग स्टेट जो रहता है वो क्या मेंटेन करके रखा है, मेंटेन्स, मेंटेन्स रेस्टिंग पोटेंशियल। क्लियर है इतना? चलिए, रेस्टिंग पोटेंशियल, तो रेस्टिंग स्टेट में आपको क्या मिलेगा, रेस्टिंग पोटेंशियल। बट आगे चल के मैं बताऊंगा कि रेस्टिंग स्टेट और रेस्टिंग पोटेंशियल दोनों कहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आगे चल के, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है दोनों, बट एक पॉइंट पर ये दोनों थोड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये रेस्टिंग स्टेट है। अब हमको क्या करना है बेटा, हमको क्या करना है, इंपल्स ट्रांसमिशन करना है। इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो करंट का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब होगा, जब चार्जेस में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये रेस्टिंग स्टेट है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कोई इंपल्स ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो आउटर और इनर के चार्जेस को हमको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो फिर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। क्या है, सबसे पहली बात पोलराइजेशन क्या है, ये दिख रहा है आप लोगों को, एक पॉजिटिव चार्ज है, अंदर में नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, एक पोलराइज स्टेट है, ठीक है। एक साइड स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पूरा का पूरा स्टेबल नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोलराइज स्टेट है। पोलराइज स्टेट को जब हम डिस्टर्ब कर देंगे तो वो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, समझते हो ना आप लोग। डी ई वर्ड डालने से वो चीज को जब हम रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, या उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, उसको डी बोलते हैं, डी वर्ड प्रिफिक्स में लाते हैं। तो पोलराइजेशन को जब हम डिस्टर्ब कर देंगे, ब्रेक कर देंगे पोलराइजेशन स्टेट को, तो वो डी पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डी पोलराइजेशन में क्या होगा, मैं ये मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ये मेम्ब्रेन है, यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये मेम्ब्रेन क्या है, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या है, ये एक्सॉन मेम्ब्रेन। मैं पूरा न्यूरॉन नहीं बना रहा हूं यहां पर, ठीक है, एक्सॉन का एक हिस्सा बना रहा हूं। चलो, तो डीपोलराइजेशन होगा तो अब क्या होगा बेटा, चार्ज रिवर्स हो जाएगा, चार्ज रिवर्स होगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर एक वर्ड आएगा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, चार्ज वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो रीपोलराइजेशन और पोलराइज स्टेट में कुछ अंतर है, क्या अंतर है, ये पोलराइज स्टेट है, ये रिपोलराइजेशन हुआ, तो क्या अंतर है। हाँ बेटा,
ये मेम्ब्रेन मैंने दिखाया और ये मेम्ब्रेन आपको दिखाया, मतलब ये न्यूरॉन, ये एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, क्या अंतर है? चार्जेस में चार्जेस सेम है, रिपोलराइज स्टेट जो रहता है सेम चार्जेस रखता है जैसा पोलराइज स्टेट में होता है। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? फिर से पोलराइज स्टेट में पहुंचना। तो अकॉर्डिंग टू चार्जेस वो दोनों सेम है, लेकिन ये रिपोलराइज स्टेट है, नॉट पोलराइज स्टेट, नॉट रेस्टिंग स्टेट। तो फिर रेस्टिंग स्टेट और पोलराइज स्टेट क्या है? उसके लिए हमको आयंस को समझना पड़ेगा और आयंस के कुछ गेट्स के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा? चैनल होते हैं, गेट्स होते हैं, उसके बारे में अपने को पहले समझना है। ठीक, यहां पर क्योंकि डिफरेंस आता है, देखो बेटा, अब ये यहां से यहां पर पहुंचना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। तो अब एक छोटा सा अपन एक टॉपिक देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये नॉर्मल स्टेट है जहां कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ध्यान से समझ लो, पहले सब लिखा हुआ है बुक में, सब लिखा हुआ है, सब डायग्राम है। ये नॉर्मल स्टेट है जहां पर कोई करंट या इंपल्स फ्लो नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या बोलती है? रेस्टिंग स्टेट। दैट इज रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ है। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा? चार्जेस रिवर्स होना चालू हो जाएगा। समझ आ रहा है? बस चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, चार्जेस रिवर्स, बाहर नेगेटिव हो गया और अंदर पॉजिटिव हो गया। तो ये स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग? डीपोलराइजेशन। समझ आ रहा बात? डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा? रीपोलराइजेशन, मतलब फिर से चार्जेस को वैसे ही मेंटेन किया जाएगा जैसा पहले था। तो ये स्टेट क्या हो गया? रीपोलराइज्ड स्टेट। रीपोलराइज्ड स्टेट को वापस फिर से रेस्टिंग स्टेट में पहुंचाया जाता है। ये सबके लिए कुछ चैनल्स और आयन गेट और कुछ चैनल गेट की जरूरत पड़ती है हमको। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो तीन टाइप का, दो टाइप का चैनल, एक टाइप का गेट अपन देखेंगे, सॉरी, दो टाइप का गेट और एक टाइप का पंप अपन देखेंगे। ठीक है, तो तीन चीजें हम लोग देखेंगे जो इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको मैं छोटा सा कर रहा हूं, इसको छोटा कर रहा हूं, साइड कर रहा हूं और डायरेक्टली लिख रहा हूं। पहला है सोडियम आयन गेट, इसको ऐसा डायरेक्टली याद रखना जैसा मैं बता रहा हूं। दूसरा है पोटेशियम आयन गेट और तीसरा है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तीसरा है सोडियम पोटेशियम पंप। अब कई बार क्वेश्चन में आता है कि तीनों में से कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव काम करता है ना? तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों जो रहता है ये पैसिव वर्क करता है और ये जो है ये एक्टिव गेट है, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पैसिव गेट में क्या होगा? जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और एक्टिव गेट में क्या होगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये कब खुलेगा और ये कहाँ से कहाँ खुलेगा? दो टाइप का क्वेश्चन आता है, सोडियम गेट कब ओपन होगा, समझ आ रहा बात, और कहाँ से कहाँ मूव करेगा। क्लियर है? पोटेशियम गेट के लिए भी दो टाइप का क्वेश्चन आता है, पोटेशियम गेट कब ओपन होगा और कहां से कहां मूव करता है। गेट समझते हैं ना बेटा? जैसे ये एक गेट है ना, रूम के अंदर आने के लिए, कोचिंग के यहां पर इस क्लासरूम के अंदर आने के लिए ये जो गेट है, ये गेट यूनिडायरेक्शनल है या बाईडायरेक्शनल है? बाईडायरेक्शनल है, दोनों साइड से आप, मतलब दरवाजा ओपन किधर की तरफ से होता है? यूनिडायरेक्शनल ओपन होता है, अंदर की तरफ धक्का दोगे तभी खुलेगा। ठीक है, अंदर से बाहर धक्का दोगे तो नहीं खुलेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आप लोगों को? तो वैसे ही सोडियम और पोटेशियम गेट यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कौन सा कहां से कहां ओपन होगा, इधर ध्यान देंगे। सोडियम गेट ओपन्स फ्रॉम आउट टू इन, और ये ओपन्स फ्रॉम इन टू आउट। क्लियर है? ये एकदम बेसिक चीज है, इसको जानना जरूरी है। क्लियर है? कब ओपन होगा? ओपन्स ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा,
ओपन्स ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, क्या होता है वो सब अभी आगे देखेंगे, ओपन्स ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, ठीक है। जनरली ओपन्ड टू रिस्टोर टू रिस्टोर आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिवली एंड ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये कब ओपन हो रहा है, रीपोलराइजेशन में, बट जनरली ये ओपन होता है रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए या रीपोलराइज स्टेट को मेंटेन करने के लिए। चलो अब एक एक करके देखते हैं, इतना लिख लो फिर अपन आगे देखेंगे कैसे कैसे ये हो रहा है। हो गया ये, पोटेशियम गेट के बारे में एक क्वेश्चन आता है, अभी 6-7 साल में कम से कम 2 क्वेश्चन वो रिपीट हो गया है ना, 1 या 2 क्वेश्चन आ गया है और जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन में, ठीक है। एक मिनट दिखाओ तो उसको अंडरलाइन करके आईएमपी करेंगे। लास्ट से हाँ बेटा, ये जो हमारा 318 है ना, 318 का लास्ट जो फोर्थ लाइन है उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। और 317 में जो सेकंड पैराग्राफ है, जनरेशन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, उसमें फोर्थ लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके अंडरलाइन करेंगे। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स दैट इज इन रेस्टिंग स्टेट द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन। ठीक
ठीक है, मतलब क्या है, इसमें ना बेटा चार पांच वैरायटी में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक एक करके इसको पूरा समझते हैं। ये समझ गए, सोडियम गेट कब ओपन होगा? डीपोलराइजेशन, जब इंपल्स आगे बढ़ेगा। पोटेशियम गेट कब ओपन होगा? रीपोलराइजेशन, जब बाहर चार्ज वापस पॉजिटिव करना है। और इन जनरल ये ओपन कब रहेगा? रेस्टिंग स्टेट में भी ओपन रहेगा। इसका मतलब क्या है, पोटेशियम गेट ओपन ही रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम बाहर कब जाएगा? जब चार्ज को बैलेंस करना। आगे हम देखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप कब ओपन होगा, इसको हम आगे देखेंगे, अभी नहीं समझ पाओगे। चलो इतना हो गया, लिख लिए ना, सिर्फ लिखना था। अब अपन इसको समझते हैं एक एक करके। बाहर पॉजिटिव चार्ज है, किसके कारण? सोडियम के कारण, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है? सोडियम। अंदर में क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है, किसके कारण? पोटेशियम के कारण नहीं है भाई, प्रोटीन के कारण है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के कारण नेगेटिव चार्ज होता है, और अंदर और क्या है? पोटेशियम आयन, ठीक है। इतना हो गया। चलो अब मैं अपन क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाएंगे? एग्जॉन के मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट है? ये रेस्टिंग स्टेट है। यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना, लिखना विखना कुछ नहीं। तो बाहर क्या है? सोडियम। अब मैं सिर्फ ऐसा लिख रहा हूं, है ना, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज है। अंदर क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है, और साथ में क्या है? पोटेशियम, ठीक है। जैसे ही यहां पर क्या होगा बेटा? ACH आएगा, इसके रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, यहां से एक इंपल्स स्टार्ट होगा। तो जैसे ही केमिकल सिग्नल आता है, जैसे ही डेंड्राइट्स में केमिकल सिग्नल पहुंचेगा, वैसे ही इस न्यूरॉन में जो सोडियम गेट होते हैं, सोडियम गेट होते हैं, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही केमिकल सिग्नल आया, कहाँ से आया? दूसरे न्यूरॉन से आया, ठीक है। ये केमिकल सिग्नल के कारण ये जो सोडियम गेट है ये ओपन हो जाएगा, ठीक। तो जो सारा का सारा सोडियम जो रहता है वो बाहर से कहाँ आएगा? सोडियम बाहर से कहाँ आएगा? अंदर आएगा। तो इसको क्या मिटाते, बन नहीं रहा मेरे को इसमें, ठीक है। ये सोडियम यहाँ से चला गया और कहाँ आ गया बेटा? अंदर आ गया, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा और आगे करके देखेंगे। तो जैसे ही सोडियम यहाँ से अंदर आया, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एक एक करके देखते जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। सोडियम जब अंदर आया तो अब बाहर का चार्ज क्या होगा भाई? बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, तो कंपेरेटिवली अगर डिफरेंस देखें तो बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्यों? सोडियम अंदर आ गया, तो इसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो अब करंट कहां से कहां फ्लो होगा? करंट कहां से कहां फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ कि करंट अंदर से फ्लो होगा कि बाहर से? इधर ध्यान देंगे, यहां पर है साइटोन, ठीक है, और इधर होगा एग्जॉन टर्मिनल। तो करंट अब बाहर से फ्लो होगा या अंदर से? क्योंकि दोनों साइड, बाहर और अंदर दोनों साइड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा? देखो सोचना पड़ेगा आपको, मैंने एक हिंट तो दे दिया है, साइटोन और एग्जॉन टर्मिनल, बट मैंने ये भी बताया कि भैया कहां से कहां फ्लो होगा। करंट तो फ्लो होगा, ये तो आपको मालूम है कि लेफ्ट टू राइट ही होगा, लेकिन वो बाहर की तरफ से फ्लो होगा कि अंदर की तरफ से होगा? बाहर, अंदर। एक बार आप एनसीईआरटी को देखो, एनसीईआरटी का जो वो है ना बेटा पेज,
318 ये वाला क्वेश्चन, ये जो है ना बेटा डायग्राम ये आता है, तो ये इसको आपको अभी से समझना है और दिमाग में रखना है, ये एग्जैक्ट उठा के क्वेश्चन देता है। तो आप देख रहे हो जो पहला वाला है, ऊपर वाला जो डायग्राम है ए वाला, ठीक है, वहां सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, और बी वाले में क्या हो रहा है, बी वाले में क्या हो रहा है, क्या दिखाने की कोशिश हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो दिख रहा है बेटा। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जा रहा है भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, और नीचे में पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जा रहा है, करंट, दोनों में फ्लो हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो दोनों में फ्लो होगा ना भाई कि नहीं होगा, यहां से यहां क्या जाएगा, करंट, और यहां से यहां क्या जाएगा, करंट, समझ आया, समझ आ रहा है ना। इसमें क्या बहुत सारे डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को, इसको अपन और थोड़ा सा छोटा करें, अब इस डायग्राम को और आगे करें, ये लो, अब इधर ध्यान देंगे, यहां नेगेटिव हो गया बेटा, यहां पॉजिटिव हो गया, अब क्या होगा, सोडियम और अंदर आएगा तो क्या होगा, एक और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा बाहर और एक और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहां पर क्या है बेटा बोलो, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से समझते जाना। अब करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, सर्किट तभी तो कंप्लीट होगा ना, ऐसे थोड़ी ना है कि एक ही साइड से करंट फ्लो हो रहा है बिना सर्किट कंप्लीट हुए, सर्किट तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। चलो फिर से मैं इसको तीसरा वाला बनाता हूं, ध्यान से देखते जाना है ना, क्योंकि इसको अच्छे से समझना जरूरी है। अब क्या हुआ बेटा, फिर से एक सोडियम, ये पॉजिटिव चार्ज है, किसके कारण है, सोडियम के कारण, तो जैसे ही यहां पर करंट पहुंचा, जैसे यहां पर करंट पहुंचा, फिर से सोडियम गेट खुलेगा, नया सोडियम गेट, कभी ऐसा ध्यान नहीं रखना है कि सारा का सारा सोडियम गेट एक साथ खुलता है, क्या बोला मैंने, अधिकतर बच्चे यही समझते हैं कि जैसे ही इंपल्स यहां पहुंचा, जैसे इंपल्स यहां पहुंचा, सब के सब सोडियम गेट एक साथ खुल जाएगा और सारा का सारा सोडियम बाहर से अंदर आ जाएगा, और बाहर पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर पूरा बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब सोडियम बाहर से अंदर आ गया, तो भाई अंदर आएगा तो क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जब पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा अंदर और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो क्या करंट का फ्लो होगा, क्या नहीं होगा, ये तो इस स्टेट का रिवर्स हो गया, तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो एक एक करके गेट खुलते जाता है, क्लियर है बात इतना। चलो तो ये गेट खुलेगा और क्या होगा, अब इधर देखो, ये इतना हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब क्या होगा बेटा, फिर से वही कहानी, अच्छा ये अपने को करना है ये, चलो ये हुआ, फिर से करंट का फ्लो किधर हो रहा है, करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। चलो फिर से इसको मैं बता रहा हूं, यहां पर हम लोग छः छः चार्ज को लेके कर रहे हैं, है ना, अब यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, अब ये जो सोडियम था ये फिर से क्या होगा बेटा, अंदर आएगा, चौथा वाला क्या होगा, वापस नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव 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 नेगेटिव, समझ आ रहा है, एक एक करके बताऊंगा, लेकिन अब इधर ध्यान देना, ये जो बाहर नेगेटिव चार्ज हो चुका है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसको वापस पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, समझ आ रहा है, नहीं तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा, तो भाई करंट फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अब यहां पर सोडियम है, ध्यान से समझना बेटा, ये सब बुक में नहीं है इसलिए मैं समझा रहा हूं, यहां पर सोडियम है आ गया, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है, साथ में और क्या है, पोटेशियम भी तो है, समझ आया, अब ये जो पोटेशियम है ना ये बाहर जाएगा, ये पोटेशियम बाहर जाएगा, तो पोटेशियम बाहर जाएगा तो क्या होगा,
बाहर पोटेशियम आएगा तो अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होगा। समझ आया? समझ आ रहा है? और यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके कारण मेंटेन हो रहा है? पोटेशियम आयन के कारण। समझ आया? तो सोडियम गेट जब ओपन होगा, सोडियम गेट जब ओपन होगा कब हो रहा है? ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। समझ आ रहा है? पोटेशियम जो रहता है वो अंदर से बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। तो यहां पर आप डीपोलराइजेशन देख रहे हो कि रीपोलराइजेशन? डीपोलराइजेशन की रीपोलराइजेशन, दोनों देख रहे हैं। सोडियम बाहर से अंदर आया, ये पॉजिटिव चार्ज किसके कारण है? सोडियम के कारण है, तो ये बाहर से अंदर आया, बाहर से अंदर आया ना बेटा, ये सोडियम बाहर से अंदर आया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। सोडियम गेट ओपन होगा बाहर से अंदर, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। पोटेशियम गेट क्या होगा? अंदर से बाहर जाएगा, जनरली वो रिपोलराइजेशन में जाता है, ठीक है? तो सोडियम बाहर से अंदर आया, डीपोलराइजेशन, पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा है, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? बाहर चार्ज को वापस पहले जैसा करना। तो बाहर का चार्ज क्या था पहले? पॉजिटिव, तो पोटेशियम बाहर जाके चार्ज को पॉजिटिव कर दिया। इसका मतलब है कि एक न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन साथ साथ चलता है। समझ आया? मतलब इतने हिस्से में अगर डीपोलराइजेशन हुआ है तो इतने हिस्से में रीपोलराइजेशन स्टार्ट भी हो जाएगा। समझ आया? रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, अभी मैं कंप्लीट नहीं किया हूं। चलो हो गया। अब यहां पर करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ आ रहा है? फिर से एक देखते हैं। अब आगे क्या होगा? ये एक ही एक्सॉन का मैं अलग अलग स्टेप बता रहा हूं, ठीक है? चलो अब ये दोनों की बारी है। अब ये दोनों, बोलो बोलो बेटा, अब इन दोनों की बारी ना, रिवर्सल ऑफ चार्ज। तो यहां पर क्या होगा? ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 छः था ना, छः छः चार्ज ले रहे थे ना अपन। तो अब क्या होगा बेटा? यहाँ पर का सोडियम जो रहता है वो वापस क्या हो जाएगा? अंदर आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव, और बाहर क्या है? नेगेटिव, इधर अंदर पॉजिटिव। क्लियर है इतना? ये लास्ट के दो को मैंने, एक लास्ट के दो था उसमें से एक को मैंने सेम रखा और दूसरे को मैंने चेंज कर दिया। क्लियर है? ये नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। तो यहां पर क्या चार्ज है? सोडियम। यहां पर सोडियम अभी भी स्टेबल है। अब यहां पर जो पोटेशियम है ये बाहर जा रहा है और उसको पॉजिटिव चार्ज मेंटेन कर रहा है। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, और अगर यहां पर एक और चार्ज होगा, यहां एक और चार्ज होगा तो क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, आगे का पॉजिटिव, नेगेटिव। अब इधर आ जाओ बेटा, सब पॉजिटिव होने वाला है, अभी सब पॉजिटिव हो रहा है, अंदर नेगेटिव वापस। तो ये जो पूरा पॉजिटिव होते जा रहा है, बाहर कौन सा चार्ज स्टेबल है? पोटेशियम, ठीक है? अंदर क्या है बेटा? सोडियम है, अंदर पूरा सोडियम है। क्लियर है बात? ये फिर से करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। तो अब यहां पर एक चीज अपन देखेंगे, मैंने बताया था ये साइटोन वाला हिस्सा और ये एक्सॉन टर्मिनल, मतलब यहां से यहां तक हमको करंट फ्लो करना है। तो देखो, साइटोन से स्टार्ट हुआ, करंट आगे जा रहा है, स्टार्ट किए थे यहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट राइट, लेफ्ट
राइट, समझ आ रहा है? और ये क्या है बेटा, ये लेफ्ट पार्ट है न्यूरॉन का और ये राइट पार्ट है। तो यहां से यहां तक करंट मूव कर गया, तो ये अंदर की तरफ हुआ या बाहर की तरफ, दोनों की तरफ से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ आया आप लोगों को, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? यहां था पहले, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा और एकदम आगे बढ़ गया। क्लियर हो रहा है? लेकिन एक प्रॉब्लम है कि भैया ये स्टेट जो होता है इट इज अ रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में क्या होना चाहिए बेटा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ठीक है ना? बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, बट बाहर पॉजिटिव किसके कारण होना चाहिए, सोडियम आयन के कारण, लेकिन सोडियम तो अंदर है और बाहर पॉजिटिव किसके कारण है, पोटेशियम के कारण है। ठीक है, तो ये जरूर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर लिया, रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन कर लिया, बट रेस्टिंग स्टेट नहीं लाया है। अब रेस्टिंग स्टेट क्या है और रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब होता है बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। यहां था रेस्टिंग, रेस्टिंग पोटेंशियल था, ध्यान से समझो, रेस्टिंग पोटेंशियल था बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेट क्या है? बाहर पॉजिटिव बट सोडियम आयन बाहर। समझ आया? यहां पर क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन है कि नहीं है? है, लेकिन रेस्टिंग स्टेट नहीं है, उसके लिए हमको सोडियम को बाहर रखना पड़ेगा। लेकिन सोडियम अंदर से बाहर जा सकता है? सोडियम अंदर से बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि सोडियम का गेट कहां से कहां खुलेगा, आउट टू इन, ठीक है? लेकिन ये अंदर है, तो अंदर से बाहर के लिए तो गेट होता ही नहीं है, बाहर से अंदर के लिए गेट होता है। तो कोई भी न्यूरॉन जब एक्साइट होता है या नया सिग्नल पास होना होता है, हमेशा सोडियम गेट खुलता है और सोडियम बाहर से अंदर आता है, तभी इंपल्स आगे बढ़ेगा। तो सोडियम गेट को बाहर रखना बहुत जरूरी है ताकि नया सिग्नल आगे बढ़ सके। तो सोडियम को बाहर फेंकने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, गेट तो होता नहीं है कि वो पैसिवली आ जाए, तो धक्का मार के बाहर निकालना है, तो उसके लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, इधर ध्यान देंगे, ये हमारा अंदर में सोडियम है, अब मैं इसको पूरा का पूरा ऐसा बता रहा हूं, अंदर में सोडियम है, बाहर पोटेशियम है, बाहर पोटेशियम है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये क्या करेगा बेटा, तीन सोडियम अंदर अटैच करेगा और दो पोटेशियम बाहर अटैच करेगा। ठीक है, तो जैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप है, तो बाहर कितना सोडियम आया, सॉरी अंदर कितना सोडियम अटैच हुआ, तीन, बाहर कितना पोटेशियम अटैच हुआ, दो। अब क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा ऐसा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट में बोलो, तीन सोडियम बाहर और दो पोटेशियम अंदर, इससे क्या होगा बेटा, सोडियम चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने के कारण बाहर पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी है, पहले भी था, है ना, बट सोडियम ज्यादा बाहर चला जाएगा। समझ आ रहा है? एक एक करके अपन पूरा उसको समझते हैं शुरुआत से, ये समझ आ गया? तो सोडियम पोटेशियम पंप ये कब काम करेगा, ये कब काम करेगा, किस लिए काम करेगा, रेस्टिंग स्टेट लाने के लिए। रेस्टिंग स्टेट क्या होता है, वो स्टेट जहां पर बाहर सोडियम चार्ज विथ पॉजिटिव चार्ज बाहर रहेगा, मतलब बाहर पॉजिटिवली चार्ज होगा विथ सोडियम आयन। फिर से बोल रहा हूं, रेस्टिंग स्टेट क्या है, एक ऐसा स्टेट जहां पर एक्सॉन का मेम्ब्रेन आउटसाइड में पॉजिटिवली चार्ज है, दैट बिकॉज ऑफ सोडियम आयन। समझ आ गया? तो ये स्टेट क्या हो जाएगा, वापिस पोलराइज्ड, अंदर नेगेटिव, अंदर पोटेशियम आ गया और बाहर सोडियम चला गया। समझ आ रहा है?
समझ आ रहा बात? चलो तो अब क्या होगा बेटा, जैसे ही यहां पर क्या होते जाएगा, अब एक एक करके मैं पूरा इसको समराइज इसी में कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इस हिस्से में अगर इंपल्स आया है तो बाहर चार्ज क्या होगा? इंपल्स अगर यहां तक आया तो बाहर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। इस हिस्से में क्या हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव, वापस रिस्टोर हो रहा है, ये पूरा पॉजिटिव होते जा रहा है साथ ही साथ। तो इतना हिस्सा डीपोलराइजेशन हो गया, सोडियम बाहर से अंदर आया, नेगेटिव चार्ज हुआ, करंट का फ्लो हो रहा है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, समझ आ रहा है? तो करंट आगे बढ़ रहा है कहां तक, ACH वेसिकल। तो जैसे ही करंट आगे बढ़ता है, कैल्शियम आयन को चार्ज कर दिया जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, मसल्स में भी बताया था, मसल पढ़ाते समय याद आ रहा है। तो जैसे ही यहां पर करंट आएगा बेटा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन चार्ज हो जाएगा। कैल्शियम आयन चार्ज जैसे ही होगा, ACH वेसिकल को वो बर्स्ट कर देगा। कैल्शियम आयन जैसे ही चार्ज होगा, किसके कारण चार्ज होगा, करंट के कारण, जैसे इंपल्स आया, सिग्नल आया, कैल्शियम आयन चार्ज होगा, जिसके कारण ACH वेसिकल बर्स्ट हो जाएगा। ACH वेसिकल बर्स्ट होगा तो ACH निकलेगा और नेक्स्ट न्यूरॉन में ये केमिकल सिग्नल आगे बढ़ेगा, और फिर से जैसे ही ACH यहां पर अटैच होगा, यहां पर वापस सोडियम गेट ओपन हो जाएगा और सोडियम बाहर से अंदर आएगा और करंट का फ्लो वापस बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है दिमाग में, एक छोटा सा पिक्चर क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो यहां पर डीपोलराइजेशन है, यहां पर अब क्या हो रहा है बेटा, पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा है और वापस रीपोलराइज कर रहा है। तो ये कौन सा स्टेट है, रीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन। यहां पर क्या हुआ, यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप, क्यों, अंदर क्या है, अंदर क्या है, पोटेशियम है ना कि सोडियम है, अंदर सोडियम है पोटेशियम है, यहां पर यहां सोडियम है और यहां पर यहां भी सोडियम है, सोडियम अंदर से बाहर जाता ही नहीं है रिपोलरेशन में, यही चीज पूछता है। रिपोलरेशन में सोडियम गेट खुलता ही नहीं है, कौन सा गेट खुलता है, पोटेशियम गेट। तो रिपोलरेशन में क्या बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, अंदर का बाहर जाएगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पोटेशियम बाहर गया, ठीक है? अब यहां पर बेटा देखो, पोटेशियम बाहर है, पोटेशियम बाहर है, ये पूरा पोटेशियम बाहर है, थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है, ध्यान से समझो, अब नया डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं। लेकिन बेटा अब नया इंपल्स जब आएगा तो चार्ज तो मेंटेन हो गया, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो गया, सॉरी पोटेंशियल स्टेट, रेस्टिंग पोटेंशियल तो क्रिएट हो गया, मेंटेन हो गया, बट सोडियम नहीं है बाहर, तो नया इंपल्स आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा बेटा, सोडियम को बाहर ढकेलेगा, पोटेशियम को अंदर लाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेंटेनिंग रेस्टिंग स्टेट बाय एक्टिवली, मतलब एनर्जी के इस्तेमाल के साथ में। इसका मतलब हमको क्या समझ आया, एक ही न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और सोडियम पोटेशियम पंप रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए साथ साथ चलता है। समझ आ गया ना, ये आगे बढ़ते जाएगा और फिर ये रिपोलराइजेशन और रेस्टिंग स्टेट मेंटेन होगा। क्यों, इसका ये भी मतलब है कि एक न्यूरॉन में एक से ज्यादा इंपल्स ट्रेवल करता है। क्यों, एक इंपल्स यहां आया तब तक दूसरा सिग्नल यहां जनरेट होगा, क्योंकि रेस्टिंग स्टेट मेंटेन हो गया। जैसे ही रेस्टिंग स्टेट मेंटेन होगा, दूसरा इंपल्स स्टार्ट हो सकता है।
अगर क्वेश्चन आता है कि भैया एक न्यूरॉन में क्या एक से ज्यादा इम्पल्स आगे पीछे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं समझना है कि एक बार पूरा यहां, इधर देखो, एक बार इम्पल्स आया और ये पूरा यहां तक आएगा, सिग्नल आगे जाएगा, फिर दूसरा इम्पल्स आएगा, ऐसा नहीं समझना है। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं समझना है। एक इम्पल्स यहां है, दूसरा रेडी हो रहा है, तीसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा इम्पल्स के लिए रेडी हो रहा है ना। यहां पर रिप्रोडक्शन का मतलब दूसरे इम्पल्स के लिए रेडी हो रहा है न्यूरॉन, और दूसरा इम्पल्स यहां आ भी चुका है। समझ आया? ये आगे जाके खत्म होगा, यहां रिपोलराइजेशन होगा, यहां पर रेस्टिंग स्टेट मेंटेन होगा और नया इम्पल्स यहां आ जाएगा, और ये यहां पर क्या होगा, फिर से रिपोलराइजेशन और इधर रेस्टिंग स्टेट मेंटेन। तो एक ही न्यूरॉन में एक बार में एक से ज्यादा इम्पल्स आगे बढ़ते रहता है कंटिन्यूअसली। क्लियर हो रहा है? तो यहां आ गया डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेट। क्लियर है बात? चलो, इसमें कुछ डाउट है? हम लोगों ने करंट कैसे फ्लो हो रहा है ये देख लिया, एक ही न्यूरॉन में आजू बाजू डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करना है ये देख लिए। डिपोलराइजेशन किसके कारण होता है, रिपोलराइजेशन किसके कारण होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? रेस्टिंग पोटेंशियल, नॉट रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग पोटेंशियल, दैट इज आउटर पॉजिटिव चार्ज, इनर नेगेटिव चार्ज आफ्टर डिपोलराइजेशन कौन करेगा? पोटेशियम आयन। समझ आया? ठीक है। और डिपोलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल सोडियम आयन। सोडियम गेट यूनिडायरेक्शनल गेट है, पोटेशियम गेट यूनिडायरेक्शनल गेट है, सोडियम जनरली इम्परमेबल होगा, सोडियम गेट इम्परमेबल होता है, मतलब सोडियम कभी भी बिना डिपोलराइजेशन के बाहर से अंदर नहीं आएगा। बट पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होगा बेटा, थोड़ा बहुत अंदर से बाहर जाते रहता है, और ज्यादा कब जाएगा, रिपोलराइजेशन में। तो मैंने दूसरी चीज बताई अभी आपको, सोडियम गेट सिर्फ और सिर्फ, मतलब सोडियम बाहर से अंदर सिर्फ और सिर्फ डीपोलराइजेशन के समय आएगा, जब न्यूरॉन एक्साइट होगा। पोटेशियम अंदर से बाहर कब कब जाएगा, इन जनरल वो जाते रहता है बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करने के लिए, बट बहुत हैवी अमाउंट में कब बाहर जाएगा, रीपोलराइजेशन में। क्लियर हो गया? सोडियम और पोटेशियम आयन का मूवमेंट कब होगा, कैसे होगा, ये बहुत क्वेश्चन आता है ना, और बहुत अच्छे से समझना जरूरी है इसको। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, वरना इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं। समझ आया? बाहर रेस्टिंग स्टेट कौन मेंटेन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम गेट, जिसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू सोडियम आयन। ठीक है, बाहर पॉजिटिव चार्ज दो आयन के कारण होता है, एक सोडियम दूसरा पोटेशियम, लेकिन मेनली रेस्टिंग स्टेट किसके कारण मेंटेन होगा, सोडियम आयन। मैं एक ही चीज को चार अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। बस बस सोडियम गेट पोटेशियम गेट, समझ आ रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप,